प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों का कक्षा 9 विषय हिंदी अध्याय 1 साखी कबीरदास जी के द्वारा जो लिखित है उसका दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले वीडियो में मैंने 1 दोहे से लेकर के 9 दोहे तक का व्याख्या बताया था और आज दोहा संख्या 9 से लेकर के दोहा संख्या 15 तक का व्याख्या बताऊंगा। तो दोहा संख्या जो 9 है इसमें देखते हैं, देखिए लिखा है कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मदमूद, जगत चबैना काल का कछु मखु में कछु बूंद। अर्थात ये संसार झूठा सुख जो होता है, जो भौतिक है, और उस सुख को प्राप्त करता है और उसको, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उन सुख सुविधाओं को वास्तविक सुख मान करके मनुष्य अपने मन में प्रसन्न होता है, लेकिन वह यह बात भूल जाता है कि वास्तविक सुख कुछ और है, परमानंद की प्राप्ति। और जो वास्तविक सुख है उसको नहीं प्राप्त करके भौतिक सुखों में वो लीन रहता है और उसी को सुख मान करके मन में प्रसन्न हुआ करता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जो है काल का चबैना है। काल माने समय भी होता है, अकाल माने मृत्यु भी होती है। तो ये पूरा का पूरा संसार मृत्यु का निवाला है। वह कुछ निवालों को अपने मुख में रख करके निगलने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है और कुछ उसके नियंत्रण में है। जैसा मैंने इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में भी इस दोहे को बताया था और मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका अर्थ एक बार फिर से 9 से शुरू करूंगा तो आपको स्मरण हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि संसार के सभी लोग झूठा सुख, जो भौतिक सुख है, जो अस्थाई नहीं है, उसको प्राप्त करके मन में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भान नहीं होता है कि यह पूरा संपूर्ण संसार काल का निवाला है। वह कुछ उसके मुख में है और कुछ उसके नियंत्रण में है, जो एक न एक दिन समाप्त कर जाएगा। अब देखते हैं अगला दोहा है, कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर उस दोहे में यानी पूर्व के वीडियो में मैं शब्द था उसका भी मतलब अहंकार है और इस शब्द का भी अर्थ अहंकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, अब ईश्वर हैं और मेरे अंदर अहंकार नहीं है। और जब ईश्वर की उपस्थिति अपने अंदर हो जाती है तो सभी प्रकार का अंधेरा जो है मिट जाता है। और वह अंधेरा मिटता कैसे है? ज्ञान रूपी दीपक को देखने से, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक अहंकार होता है। और अहंकार के लिए ही कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो ईश्वर नहीं थे, अब ईश्वर हैं, अहंकार नहीं है। और ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ उस ज्ञान रूपी प्रकाश में सभी मेरे मन मंदिर में जो अंधेरा व्याप्त था वो समाप्त हो गया, अब ईश्वर का साक्षात्कार मैं भली भांति कर सकता हूँ। आगे कहते हैं इस मानव शरीर की नश्वरता का वर्णन इस दोहे में करते हैं, यानी इसका प्रसंग आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी मानव शरीर की नश्वरता का उल्लेख करते हुए मनुष्य समाज को संदेश देते हैं कि इस पर गर्व अथवा अहंकार नहीं करना चाहिए। लिखते हैं कि कबीर कहा गर्बिये देखी, क्षमा कीजिएगा,
ऊंचे देखी आवास। काल परो भौ लोटड़ा ऊपर जामे घास। फिर से सुन लीजिए इसको, देख लिखा है, कबीर कहा गरबिए ऊंचे देख आवास। काल परो भौ लोटड़ा ऊपर जामो घास। कबीरदास जी कहते हैं कि गर्व मत करो, अहंकार मत करो। कबीर कहा गरबियो, अहंकार मत करिए, ऊंचे देखी आवास, यानी अपना श्रेष्ठ शरीर, अपना ऊंचा भवन देख करके, अपने संपत्ति को और अपने शरीर रूपी संपत्ति को देख करके गर्व मत करना। क्यों? क्योंकि काल ही पर्यों भूं लौटना। कल जब काल नज़दीक आवेगा और इस शरीर से प्राण निकाल ले जाएगा तो यह शरीर मिट्टी की हो जाएगी और ज़मीन पर लौट जाएगी। वैसे भी सभी लोग मृत हो जाते हैं तो सब लोग उनको जो है ज़मीन पर लिटा देते हैं। तो वही चीज़ को कहते हैं कि काल ही पर्यो भों लौटना, यानी जब काल पड़ेगा, यानी काल माने समय, यानी जब समय आएगा आपका अंत समय, तो उससे शरीर से आत्मा निकल जाएगी और आपका शरीर ज़मीन पर लेटा हुआ अवस्था में प्राप्त होगा और उसको उसका अंतिम संस्कार सब लोग कर देते हैं। कुछ लोग ज़मीन में दफनाते हैं और कुछ लोग जला देते हैं। दोनों ही क्रियाओं में शरीर मिट्टी में मिल जाती है और जिस स्थान पर यह शरीर मिट्टी में मिलती है, आने वाले समय में उस स्थान पर घास फूस जम जाया करते हैं। तो वही चीज़ करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर काल के गाल में जब समा जाता है, जीव आत्मा निकल जाती है, तो यह शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाती है, और जिस स्थान पर नष्ट होती है उस स्थान पर घास जम जाती है। इसलिए इस शरीर का और अपने संपत्ति का, जो नश्वर संपत्ति है, उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। आगे अगला दुआ है कि यह ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे सेमल का फूल होता है। इसके पीछे का एक रहस्य यह है कि सेमल का जब फूल फूलता है तो बड़ा सुंदर होता है। उस सेमल के फूल को तोता जो है देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है कि ये फूल जब फल लेगा और फल जब पकेगा तो मैं इसका भक्षण करूँगा, क्योंकि ये इतना सुंदर फूल है तो इसका फल और इसका स्वाद कितना सुंदर होगा। लेकिन जब सेमल का फूल फल के रूप में आता है और ज्यों ही वो पकता है तो उसकी फल की पंखुड़ियाँ चारों खंड में बिखर जाती हैं, उसमें से रुई निकलती है, और वो रुई क्या होती है कि तोते के न खाने के काम में है न किसी और के काम में है। वह उसका इंतजार करना, उसके लिए प्रयास करना, निरंतर उस पर उसका समय व्यस्त करना, सब बेकार हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह है। इस संसार में लोभ मोह माया से वशीभूत होकर के इस संसार में अपना समय मनुष्य रूपी तोता बिताता रहता है, उसे अंत में कुछ हाथ में आता नहीं है। कहते हैं कि इसी 10 दिन के व्यवहार में, यानी जो मनुष्य जीवन मिला है उस जीवन को इन्होंने 10 दिन की संज्ञा दी है। कहते हैं कि इस 10 दिन का जो व्यवहार है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यवहार ही व्यक्ति को याद दिलाता है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि 100 वर्ष की आयु मिले 100 वर्ष जीना हो, इससे अच्छा है कि कम समय ही जीना हो लेकिन ऐसा कार्य कर जाए व्यक्ति कि 100 वर्षों तक उसको याद रखे, उसका 100 वर्षों तक की आयु पूरा हो जाता है। अगर कम समय में भी
वह अच्छा कार्य करेगा, ऐसा कार्य करेगा जो पूरा संसार सैकड़ों वर्षों तक उसको याद करे, तो वह नश्वर शरीर के न होने पर भी यश रूपी शरीर से अमरता को प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि दस दिन दस के व्यवहार को, 10 दिन का जो समय मिला है कबीरदास जी के कथनानुसार, उस में जो व्यवहार है उसको सही और सकारात्मक तरीके से रखना चाहिए। कहते हैं झूठे रंग न भूल, झूठे मिथ्या रंग में अपने अस्तित्व को भुला नहीं देना चाहिए। झूठा रंग यानी झूठा अस्तित्व, जैसे व्यक्ति तो सभी इंसान होते हैं, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, तो अगर अमीर ये सोचे कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पैसा रुपया है, फला के पास नहीं है, उसके प्रति तिरस्कार की भावना रखे मन में, तो वो समझो कि वह अपने आप को इस सामाजिक या इस भौतिक संसार में जो झूठा है जो नश्वर है उसमें अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। इसी प्रसंग को मायने रखते हुए कबीरदास जी ने लिखा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, क्योंकि प्रेम जब हृदय में रहेगा तो व्यक्ति का व्यवहार भी प्रेम से संचित और प्रेम युक्त होगा, तब उसका व्यवहार सकारात्मक होगा। तो वही कहते हैं कि दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। 10 दिन का इस संसार में जीवन मिला है, उसमें हम सभी लोग अच्छा व्यवहार करें, अपने आप को मोह माया के बंधन में बांध न लें, अहंकार से ग्रसित न हो जाएं और अपनी वास्तविकता को भूल न जाएं। इसी के बाद आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि इहीं अवसर चेत्या नहीं पशु जो पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं अंत पड़े मुख खेह। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मानव शरीर का हमें प्राप्ति हुआ है ये अच्छा अवसर है, इस अवसर को प्राप्त करके भी जब हम चेतना से युक्त नहीं होंगे और केवल अपने शरीर के भरण पोषण के लिए ही कार्य करते रहेंगे, अब पशुवत शरीर का पालन पोषण करेंगे, क्योंकि पशु भी पालन करता है और सभी जीव करते हैं। तो कहते हैं कबीरदास जी की यही अवसर चेत्या नहीं, ये मानव शरीर एक अवसर मिला है जीवात्मा को, इस अवसर पर वो चेत नहीं गया, उसकी चेतना नहीं उसको मिली कि इस मानव शरीर में क्या करना है, और पशुवत अपने शरीर का पालन पोषण किया, जैसे पशु खाता है पीता है मलमूत्र त्यागता है और प्रजनन इत्यादि क्रियाओं को करता है, तो उस प्रकार से अपने शरीर को प्राप्त करके, मानव शरीर को प्राप्त करके चेतो चेतना से युक्त हो। क्यों? क्योंकि जिससे अलगाव हुआ है उससे मिलना है, और वह है कौन? राम। ये देखिए यहाँ पर एक बात फंस जाती है, बच्चे मन में सोचते हैं कि जब कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के थे तो राम एक सगुण है, क्योंकि राम दशरथ के राम थे, उनके लिए क्यों कहते हैं? तो बड़ा सुंदर एक जगह आता है कि राम चार, यानी चार तरह के राम का उल्लेख प्राप्त होता है। एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल प्रसार। तो एक राम दशरथ का बेटा, ऐसे मिलता है कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम का, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसार, एक राम दुनिया से न्यार। यानी जो दुनिया से न्यारा है, दुनिया माने पूरा ब्रह्मांड, उससे अलग है और उसमें भी है, घट घट में लेटा हुआ है
उस राम के बारे में कहते हैं कि उस राम के नाम को नहीं जाना जीव, जो जीव है मनुष्य शरीर पा करके भी इस अवसर को गंवा दिया और राम के नाम को नहीं जाना, और जब अंत समय आ गया तो सोचता है कि अंत समय में मुझे राम मुख से निकल जाए, लेकिन जब अपने पूरे जीवन भर राम का साक्षात्कार नहीं करेगा, राम के महत्व को नहीं जानेगा, तो अंत समय में नहीं आता है राम का नाम। आगे 14वां दुआ कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है लिए फिर था साथी, यह तन कांचा कुंभ है लिया फिर था साथी, डबका लागा फूट गया कछु नहीं आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है मानव शरीर, यह कच्चा घड़ा के समान है, इसको लेकर के मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर के इधर उधर घूमता फिरता रहता है, और जब समय रूपी काल का धक्का लगता है, डबका लागा यानी काल का जब धक्का लगता है, उस पर काल का चोट पड़ता है तो फूट जाता है, अर्थात शरीर से प्राण निकल जाता है और उस जीवात्मा के हाथ में कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आने का मतलब मुट्ठी बंद करके बच्चा पैदा होता है और जब मृत होता है तो हाथ खुल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुट्ठी बंद करके साहस करके आता है इस संसार में कि मैं इस कार्य को करूंगा, किस कार्य को, परमात्मा से अलग हुआ हूं तो परमात्मा में मिलूंगा, लेकिन वह जब नहीं मिल पाता है उसको कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि सकल संसार में माया मोह के वशीभूत होकर के इधर उधर घूम फिर करके अपना समय बिता देता है, तब वह अंत समय में जब उसको चेतना आती है कि अब शरीर छूटने वाला है तो उसको यह चेतना याद दिलाती है कि अरे हमने तो पूरा अपना जीवन बिता दिया, हमारे कुछ हाथ में नहीं आया। तो यही कहते हैं कि यह शरीर को लेकर के घूमना फिरना उचित नहीं है, क्योंकि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जब काल का धक्का लगेगा तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा और हाथ में कुछ आएगा नहीं। इसलिए जब तक शरीर है तब तक उस ईश्वर का, उस परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा का सुमिरण करते रहो, उसी के नाम के सुमिरण का धन तुम्हारे हाथ लगेगा, वही श्रेष्ठ धन है। आगे 15वां और अंतिम दोहा है, कहते हैं कि कबीर कहा गर बिये देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों का चली भुवंग। भुवंग माने होता है सर्प, कांचली माने होता है केचुल, केचुल यानी जो सर्प का सल्क होता है, जो सर्प जो है कुछ दिन पुराने हो जाते हैं तो अपनी चमड़ी को जो है निकाल देते हैं, तो उसको भोजपुरी भाषा में केचुल कहते हैं, एकदम सांप की तरह होता है, उसका पूरी चमड़ी उतर जाती है। तो यह इसलिए बताते हैं कि जब सर्प अपने केचुल को छोड़ देता है तो उसको फिर से धारण नहीं कर पाता है, उसी तरह से मनुष्य इस शरीर को जब छोड़ देगा, इसमें से निकल जाएगा, तो फिर इस शरीर को धारण नहीं कर पाएगा। और कहते हैं कि बिछुड़िया जिससे बिछड़े हैं मिलबो नहीं, उससे मिले नहीं, जिससे बिछड़े हैं उससे मिले नहीं, ठीक वैसे ही जैसे केचुल सर्प से अलग हुआ और सर्प केचुल से अलग हुआ लेकिन सर्प पुनः उससे मिल नहीं पाया, न मिल सकता है, वैसे ही मत करो और इस शरीर पर गर्व मत करो। देह देख ही सुरंग, देह रूपी सुंदर सुरंग माने होता है सुंदर रंग वाला, और सुरंग माने होती है गुफा, संसार रूपी गुफा में सुंदर / अलंकार है, एक ही शब्द का दो अर्थ है, संसार रूपी गुफा में सुंदर रंग वाले देह को देख करके गर्व कभी मत करना। कबीरदास जी कहते हैं संसार रूपी गुफा में
सुंदर शरीर रूपी रंग को या सुंदर रंग वाले शरीर को देख करके कभी गर्व मत करना, क्योंकि जिससे तुम बिछड़े हो उसी से तुम्हारा मिलना निश्चित है। और उससे मिलने का प्रयास करोगे तब वह निश्चित होगा कि तुम मिल पाओगे। अगर प्रयास नहीं करोगे, उसका सुमिरन नहीं करोगे, उस पर ब्रह्म परमात्मा का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाओगे अपने जीवन काल में, तो तुम्हारे साथ भी वैसे ही ठीक होगा जैसे सर्प के साथ होता है। उसकी केचुली उससे अलग हो जाती है, फिर मिलती नहीं है। इसलिए इस उदाहरण को देख करके कबीरदास जी कहते हैं देख करके कि इस शरीर पर गर्व कभी मत करना, क्योंकि इससे बिछड़ जाओगे तो फिर मिलना नहीं होगा। इस शरीर से बिछड़ोगे तो मिलना नहीं होगा। इस शरीर में रहते परमात्मा को जानो और परमात्मा से मिलने का कार्य करो, तब जा कर के तुम्हारा इस शरीर से छोड़ने के बाद जीवात्मा परमात्मा से मिल पाएगी। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।